आप सभी लीडर्स को पता है कि हमारा आईसीओ चल रहा है। आईसीओ के अंदर हम लोगों ने स्लॉट्स बनाए थे और उन स्लॉट्स के अंदर अलग अलग प्राइस रखे गए थे। जैसे कि पहला स्लॉट था हमारा 3 रुपए का प्राइस। 3 रुपए के प्राइस के ऊपर वहां पे जो टोकन्स थे टोटल वो थे 3 लाख टोकन। यानी कि जैसे ही 3 लाख टोकन बिकेंगे तो इसका प्राइस बढ़ के 3 रुपए से 6 रुपए हो जाएगा। ऐसा आईसीओ के अंदर चल रहा था। उसके बाद सेकेंड स्लॉट हमारा 6 रुपए का शुरू हुआ, उसके अंदर एक क्वांटिटी थी, उतने टोकन सेल हो जाएंगे तो थर्ड स्लॉट शुरू हो जाएगा, यानी कि प्राइस 9 रुपए बढ़ जाएगा। सेम ऐसे ही आज हमारा जो स्लॉट चल रहा है वो चौथा स्लॉट चल रहा है, यानी कि फोर्थ नंबर का स्लॉट चल रहा है और इसका जो प्राइस है वो 12 रुपए है। 12 रुपए प्राइस के अंदर टोटल 21 लाख टोकन अवेलेबल है जो हमने सेल करने हैं। ठीक है, 21 लाख टोकन है जिसमें से लगभग मेरे ख्याल से 40% के आसपास अभी टोकन सेल आउट हो चुके हैं, सोल्ड आउट हो चुके हैं। सो अब यहां पे कंपनी ने लॉन्च किया है आईसीओ बर्निंग स्ट्रेटेजी। बर्निंग क्या होती है? जिन लोगों को क्रिप्टो के बारे में नॉलेज है, जिन लोगों को क्रिप्टो की जानकारी है, उनको अच्छी तरीके से पता है कि बर्निंग का मतलब क्या होता है क्रिप्टो में। मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूं कि जैसे कंपनी ने डिसाइड किया कि 12 करोड़ टोकन बनेंगे, लेकिन उन 12 करोड़ टोकन में से बहुत सारे टोकन ऐसे होंगे जो बर्न हो जाएंगे। बर्न मतलब जिसमें आग लग जाएगी, है ना, मतलब वो खत्म हो जाएंगे, मतलब वो मार्केट में आएंगे नहीं, वो खत्म हो गए, मतलब डिस्ट्रॉय। तो इसको कहते हैं बर्निंग। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि जब जब किसी भी टोकन या किसी भी क्रिप्टो के अंदर बर्निंग होती है तो प्राइस बहुत अप जाता है, क्योंकि टोकन मतलब जो सप्लाई है वो सप्लाई कम हो रही है। अगर सप्लाई कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली रेट उसका हाई जाएगा। तो अभी यहां पे ऑलरेडी हम लोगों ने भी इस प्लानिंग के ऊपर वर्क किया और यहाँ पे अब आप लोगों के लिए लेके आए हैं बर्निंग स्ट्रेटेजी। और बर्निंग स्ट्रेटेजी क्या है उसको ध्यान से समझे। अभी जैसे हमारा चौथा स्लॉट चल रहा है, 12 रुपए का प्राइस है, 21 लाख टोटल टोकन है, जिसमें से मैं बता रहा हूं कि 40% से ज्यादा का माल ऑलरेडी बिक चुका है। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि पहले ऑप्शन ये था कि ये 21 लाख टोटल टोकन बिकेंगे तो ही आगे प्राइस बढ़ेगा, लेकिन अब यहां पे एक टाइम बाउंडेशन लगा दी गई है और ये टाइम बाउंडेशन यहां पे लिख के भी दे दी गई है। यानी कि हर स्लॉट के ऊपर एक टाइम बाउंडेशन है। जैसे कि 12 रुपए वाले स्लॉट में आप देख रहे हैं कि 28 फरवरी 2022, ये जनवरी चल रहा है, आज 18 तारीख है और इस महीने के मान लीजिए 12 दिन और अगले महीने के पूरे 28 दिन, तो ये 40 दिन हमारे पास हैं। इन 40 दिनों के अंदर अगर हमारा बाकी का बचा हुआ जो टोकन्स हैं 40% बिक चुका है, मान लीजिए 60% अभी बाकी है, तो मान लीजिए 60% टोकन अगर पहले बिक गया इस 28 फरवरी से पहले तो इसका प्राइस चेंज हो जाएगा, हम चौथे स्लॉट में से आ जाएंगे पांचवें स्लॉट में। नहीं तो अदरवाइज अगर मान लीजिए हमारा सिर्फ 80% टोकन ही बिका, 20% टोकन बच गया, तो 28 फरवरी 2022 को ऑटोमेटिकली बाकी के बचे हुए जितने भी टोकन्स हैं वो सब बर्न हो जाएंगे, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और जब बाकी के बचे हुए टोकन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइस जो है वो इंपैक्ट करेगा और वो प्राइस बढ़ के 12 रुपए से 15 रुपए हो जाएगा। यानी कि अब एक टाइम पीरियड दे दिया गया है यहाँ पे कि हम लोग अब टाइम फ्रेम के हिसाब से चलेंगे ताकि हम लोग अपने सभी इन्वेस्टर्स को, सभी होल्डर्स को ये बता सके कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि जो प्राइस अभी मिल रहा है, मान लीजिए आज अगर 12 रुपए का प्राइस मिल रहा है तो ये सिर्फ मैक्सिमम 28 फरवरी तक ही अवेलेबल है। अगर आपके इन्वेस्टर्स हैं, आपके होल्डर्स हैं, आपके यूजर्स हैं, तो उनको जितना जल्दी हो सके अगर 12 रुपए के प्राइस पे आपको दिलवाना है तो 28 फरवरी तक ही दिलवाना पड़ेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। 1 मार्च को ऑटोमेटिकली इस टोकन का जो प्राइस है वो पांचवें स्लॉट के हिसाब से 15 रुपए हो जाएगा।
अब 15 रुपए के प्राइस पे टोटल टोकन कितने हैं? 33 लैक्स। 33 लैक्स टोटल टोकन है, लेकिन यहां पे भी एक डेट निर्धारित कर दी गई है, 30 मई 2022। ये पहले से ही हम लोग बता रहे हैं आपको, 30 मई 2022, 30 मई 2022 तक अगर आपने इस प्राइस के अंदर जितना भी टोकन सेल किया या बाय किया वो आपका मिल जाएगा। लेकिन अगर 30 मई को मान लीजिए 33 लाख में से सिर्फ 30 लाख ही टोकन सेल आउट हुए और 3 लाख मान लीजिए बच गए, नहीं बिके, तो वो 3 लाख टोकन डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे, बर्न कर दिए जाएंगे। और उसके बाद 30 मई के बाद ऑटोमेटिकली इसका जो प्राइस है वो छठे स्लॉट के हिसाब से 18 रुपए हो जाएगा, यानी कि प्राइस अब बढ़ रहा है, टाइम के हिसाब से बढ़ रहा है। तो 30 अगस्त तक का इसका स्लॉट टाइम रहेगा, फिर उसके बाद इसका प्राइस 7वें स्लॉट में 24 रुपए, और इसका टाइम फ्रेम रहेगा 30 नवंबर 2022, और उसके बाद 36 रुपीज का प्राइस हो जाएगा, और इसका जो टाइम लिमिट रहेगा वो रहेगा 20 मार्च 2023। 20 मार्च 2023 तक हमने टारगेट ले लिया है कि हमें इस आईसीओ को खत्म कर देना है। जितने भी टोकन सेल होंगे वो सेल होंगे, और बाकी के जितने टोकन बचेंगे वो सब डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे, यानी कि बर्न कर दिए जाएंगे। तो इससे क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी। अब सप्लाई जब कम होगी और डिमांड ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ ही भागेगा। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि हम एक डेट डिसाइड कर दी है हम लोगों ने कि जो एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग के लिए जो ट्रेडिंग होती है, जैसे कि बाइनांस ब्लॉकचेन पे होती है, बाइनांस एक्सचेंज पे, तो बिल्कुल ट्रेडिंग के अंदर एक्सचेंज भी दो तरीके की होती है, मैं वो भी बता देता हूं। पहली होती है डिसेंट्रलाइज और दूसरी होती है डिसेंट्रलाइज। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर ऑलरेडी मार्च 2023 को फाइनलाइज हमारा टोकन।